न्यूज़, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ टीवी और मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। महाराष्ट्र के जालना में दर्दनाक हादसा, बस और ट्रक में जबरदस्त टक्कर, 6 की मौत। नागपुर में बर्खास्त पुलिस कर्मी ने युवकों को लूटा। पालघर के रासायनिक कंपनी में बड़ा हादसा, आग लगने से 6 कर्मचारी कुचल से। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के जालना में दर्दनाक हादसा, बस और ट्रक में जबरदस्त टक्कर। महाराष्ट्र के जालना जिले में शुक्रवार सुबह राज्य परिवहन की बस और एक ट्रक की जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 17 लोग घायल हो गए। पुलिस से यह दुर्घटना वाड़ी गोदरी जालना मार्ग पर शाहपुर के पास हुई। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बस की खिड़कियां तोड़कर कई घायलों को बाहर निकाला गया। राज्य परिवहन की बस गिवराई से जालना जा रही थी जबकि घटना के समय संतरे से भरा ट्रक आमबाड़ से आ रहा था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार टक्कर के कारण 6 लोगों की मौत हो गई और 17 अन्य घायल हो गए। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने घायलों को बचाया और उन्हें आमबाड़ तथा जालना के अस्पतालों में पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। नागपुर में बर्खास्त पुलिस कर्मी ने युवकों को लूटा। नागपुर के सीताबर्डी थाना क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। बर्खास्त किए गए एक पुलिस कर्मचारी ने अपने साथी के साथ मिलकर दो युवकों के साथ मारपीट की। आरोपियों ने पीड़ितों से 4,000 रुपए कैश और सोने की चेन मिलाकर 84,000 रुपए का माल छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हितेश शंकर राव भरड़कर नशीता बर्डी थाने में शिकायत दर्ज कराया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी परवेज बालापुरे और प्रसाद साखरे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। यही बढ़ते अगली खबर क्या। पालघर के रासायनिक कंपनी में बड़ा हादसा, आग लगने से 6 कर्मचारी झुलसे। महाराष्ट्र के पालघर जिले में तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार को एक रासायनिक इकाई में आग लग जाने से 6 कर्मचारी घायल हो गए जिनमें से 3 की हालत गंभीर है। जिला आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख विवेकानंद कदम ने पीटीआई भाषा को बताया कि इकाई के एक हिस्से में दोपहर 12 बजे आग लग गई। कंपनी प्रबंधन के आग लगने के बाद दमकल विभाग को घटना की जानकारी दी। कंपनी के कर्मचारियों ने तुरंत आग को बुझाने का प्रयास किया और इस पर काबू पा लिया। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इस यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का, से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS News TV पर। नमस्कार। ये है MNS News Network और आप देख रहे हैं MNS News।